श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदि हमने मनन किया तो चिंतन अपने अंदर और बाहर प्रश्न ये कभी उतर ही नहीं सकते। देखो व्यक्ति को एक वो व्यसन लग जाता है प्रश्न पूछने का। देखो यहाँ सत्संग में जो बताते हैं अब उसका विश्लेषण करके आप अपने आप समझो। देखो लड्डू खाने के बाद कैसा अनुभव आता है ये एक गधे ने मुझे पूछा तो मैं इसको क्या बताऊं। देखो तो मैं यही कहूंगा कि देखो लड्डू तो आदमी के लिए होता है तुमने क्यों खाया। इस अनुभव का विश्लेषण इस अनुभव का वर्णन इवैल्यूएशन नहीं हो सकता। आप ही को आपको समझना पड़ेगा। बाहर से जो बताएंगे वो सब झूठ होगा क्योंकि आप जो बता रहे अपने बारे में मुझे ये हुआ था मुझे वो हुआ था। देखो हमारे न्यूजीलैंड की बात है एक हमारे फैमिली है अच्छे हैं लोग दो लड़कियां उनकी तो उनके नाम मुझे मालूम नहीं थे तो मैंने पूछा इसके नाम क्या है तो उनके माँ ने मुझे कहा ये समझिए आप ही ने तो कहा कि नाम रूप मिथ्या है अब क्यों पूछ रहे। तो हमने कहा आपने जो कहा वो ठीक है मैंने गलत किया जो हुआ सो हुआ। एक का नाम जो हुआ रख दिया दूसरे का सो हुआ रख दिया क्योंकि मैं रिसेंटली चाइना से आया था तो इसका नाम क्या हुआ जो हुआ उसका नाम क्या हुआ वो हुआ सो हुआ। देखो व्यक्ति को अपने अनुभूति का विश्लेषण करके स्वयं ही समझना पड़ता है अन्य कोई आपको नहीं बता सकता। लेकिन चक्कर यही होता है उसी में फंसे रहते। मैं जब सुबह में बैठा था तो गरम गरम हवा ऊपर जा रही थी इसका अर्थ क्या है टॉयलेट क्लियर नहीं हुआ। लोगों को ओंकार आता है मुझे डकार आता है। इसी एक कारण से हम किसी के भी प्रश्नोत्तरी एंटरटेन नहीं करते। हमको प्री डाइजेस्टेड इंटरवेनस फूड चाहिए ताकि डायरेक्टली ये इसमें किडनी में चला जाए ये लीवर में चला जाए फटाफट लगा करके। इतना आलस कृपण हा फल है तवा थोड़ा अपने पर काम करो नहीं तो आदमी इसी में जिंदगी भर फंसा रहता है। ये फंसा रहने का कारण क्या है कार्य कारण में फंसे हैं। यदि ये हो रहा है तो मैं रियलाइज कर रहा हूँ क्या
देखो ये सब अनुभूतियाँ, इसका हमने एक सिंपल बताया था, जिस अनुभव में अनुभवकर्ता निर्माण नहीं होता वो सत्य है। मुझे ऐसा हो रहा था तो वहाँ मैं आ गया, मुझे वैसा हो रहा था, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है, शादी करी भी कुछ नहीं होगा, शादी होने के बाद सब कुछ होता है। इसीलिए संतो इधर ही ध्यान देना कि हमारे माध्यम से जीवन प्रकट हो रहा है और ये जीवन रहे या ना रहे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। बचपन आके चला गया क्या फर्क पड़ा, जवानी आके चली गई क्या फर्क पड़ा, ये तो छोड़ो इतने सत्संग सुने क्या फर्क पड़ा। और ये अच्छी बात है क्योंकि असंगोहम असंगोहम, इसलिए अपने अनुभूतियों को कुछ नाम मत देना, कुछ को लेबल मत करना, ये सब संसार ही है। देखो अन्यथा मनुष्य इसके द्वारा इतना प्रभावित हो जाता है। देखो हम वहाँ गए थे कुंभ मेले में, उस महात्मा जी के इतना बड़ा पंडाल था, उनका एक महीने का जो पंडाल था ये कुंभ मेले में, स्वामी जी मुझे बताया किसी ने कि उसकी कीमत पिंडाल की टेम्पररी पिंडाल की कीमत एक महीने के लिए 10 करोड़ रुपए थे। तो मैं चुप रहा, पहले आप कुछ बोलते नहीं, मैंने क्या बोलूं बताओ, मैं बोल देता हूँ, देखो सुनो बोलो, कितनी छोटी सी बात होती है, जहाँ आपने इसको सीख लिया समझ लिया आप अपने आप में शांत हो जाओगे। जगत में आपको ऐसा इन्वॉल्व होने का इंटरेस्ट नहीं आ सकता। इसलिए हमने जो प्रथम अध्याय में तेजोबिंदु उपनिषद का पढ़ा है उसमें आखिर में क्या कहा, भावितम तीव्रवेकेन यद्वस्तु निश्चयात्मकम दृश्यम ही अदृश्यताम नीत्वा ब्रह्माकारेण चिंतयेत। तो भावितम तीव्रवेगेन, अब केवल आप अनुभव में बसे हैं, अनुभव की तीव्रता तब होगी जब अनुभव कर्ता निर्माण नहीं होगा। भावितम तीव्र वेगेन यद वस्तु निश्चयात्मकम, अब आपको किसके बारे में निश्चय है और किसके बारे में निश्चय नहीं है, हमको निश्चय है अपने होने के बारे में, मैं रियलाइज हुआ कि नहीं हुआ इसके बारे में निश्चय नहीं है, तो मारो गोली। ऐसे प्रश्न मन में आने का एकमात्र कारण है कि हमारे दिमाग में कुछ घुसा है। रियलाइजेशन माने कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलेगा। यदि हमारे मन में ये भ्रांति है कि हम यदि मेडिटेशन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा पोथी करते हैं तो कुछ मिलेगा, जब तक कि ये मिलने का कीड़ा हमारे दिमाग में है हमने अध्यात्म में प्रवेश नहीं किया। हम गए थे और गोवर्धन जी की प्रदक्षिणा करी और उसमें मुझे बड़ी प्यास लगी थी, मैं सोच रहा था क्या होगा क्या होगा, उतने में किसी व्यक्ति ने आके मुझे पानी पिला दिया और जब मैं पानी पी करके वो गिलास देना चाहता था तो आदमी गायब हो गया।
मुझे लगता है भगवान कृष्ण आए थे। आपने कुछ निर्माण किया है, अब जिंदगी और उसी में फंसे रहोगे। वो गिलास वाला कहाँ गया? गिलास वाला कहाँ गया? ये सब कुछ होता है, उसमें फंसो मत। देखो, नहीं तो मनुष्य उसी में लगा रहता है। कौन सी किस में? दुनिया में चमत्कार होना, चमत्कार होना। एक पॉल ब्रंटन नाम का ब्रिटिश जर्नलिस्ट था, 47 के पहले की बात है, 1947 के पहले की। वो आया भारत में, बहुत इंटेलिजेंट था और बड़ा अनबायस था। आकर के इन सर्च ऑफ इंडिया करके वो निकला, खूब जगह घुमा घुमा, और घूमने के बाद फिर पहुंच गया हमारे अखंडानंद जी महाराज के जो गुरु थे उड़िया बाबा, उनके पास। बोले कुछ चमत्कार दिखाइए। तो उन्होंने कहा क्या चमत्कार देखना चाहते हैं बताओ। मैं सभी लोग महात्मा कहते हैं कि इन्होंने ये चमत्कार किया हुआ। बोले ये क्या कम चमत्कार है? तुम प्रकृति होते हुए भी बोल रहे हो। देखो, जो होते हुए भी अपने को नहीं पहचानता, ये क्या कम चमत्कार है? मैं हूँ या नहीं मुझे बताइए, ये कोई रिडल है क्या? इसलिए चमत्कारों में जो व्यक्ति फंसता है ना, उसको उससे निकलना असंभव हो जाता है। तो भावितम तीव्र वेगेन यद वस्तु निश्चयात्मकम। अब हमारा पूरा निश्चय हो गया है। देखो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, अपने में आप में रहो। पाना खोना प्लस माइनस, इसकी कीमत शून्य होती है, केवल अनंत में। इन्फिनिट प्लस माइनस एनीथिंग कंटिन्यूस टू बी इन्फिनिट, यू कांट चेंज इट। ये अपना स्वरूप है। तो भावितम तीव्र वेगेन यद वस्तु निश्चयात्मकम, फिर क्या होगा? दृश्यम ही अदृश्यताम नीत्वा, फिर ये जितने भी दृश्य माने क्या? दृश्य माने जो अनुभव हमको अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय इनके माध्यम से मिलता है, वो सभी का सभी दृश्य है। दृश्य का अर्थ ये नहीं कि आंखों से दिखने वाला दृश्य है। जिसको लेकर के हमारे अंतकरण में अनात्म भाव होने के कारण विचारों का निर्माण होता है, उसको सबको दृश्य कहते हैं। यदि हमारे मन में मैं कौन हूं, तो वो हमने मैं को दृश्य बना लिया। तो दृश्यम ही अदृश्यताम नीत्वा, फिर ब्रह्माकारेण चिंतयेत। तो दृश्यम अदृश्यता नीत्वा क्या करेंगे? हम सो जाएंगे, सो मत, ब्रह्माकारेण चिंतयेत। तो अनंत का अनुभव कैसा होगा, निराकार का अनुभव कैसा होगा, निराकार की स्थिति क्या है, निराकार का अर्थ क्या है, अब इस पर चिंतयेत, इस पर लगे रहो। जहां आपने अपने मन को अनंत को विषय कहने के लिए कहा, वहां मन अनंत में घुल जाता है। मन केवल परिच्छिन्नता को ही ग्रहण कर सकता है, मन परिपूर्ण को ग्रहण नहीं कर सकता। देखो, जैसी हमारी आंखें हैं, आंखें ये वायलेट से लेकर के रेड तक इतने ही रंग देख सकती, इसके परे नहीं देख सकती। तो इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से जो भी कुछ ग्रहण होता है, उसका त्याग करके जिसका त्याग नहीं हो सकता, वहां पहुंचना, यह है ब्रह्माकारेण चिंतयेत। तो आज सुबह बताया था आपको, परमात्मा का चिंतन नहीं हो सकता और ब्रह्माकारेण चिंतयेत, ब्रह्म का चिंतन करो। माने क्या? चिंतन करना बंद करो, चुप रहो, लेकिन सोना मत।
चक्कर वही है। थोड़ा मन शांत हो गया, एक क्षण में नींद आ जाती है, नहीं तो डोसा खाने के बाद नींद आती है। आज मुझे ब्रेकफास्ट में डोसा खिला है, तो मैं वहां से जब आ रहा था रास्ते में मुझे नींद आ रही थी। अच्छे डोसे के यही लक्षण होते हैं, जितना अच्छा डोसा होगा उसको खाते खाते नींद आ जाती है। तो दृश्यम ही अदृश्यताम नीत्वा ब्रह्माकारेण चिंतयेन विजानिया नित्यम सुखे विद्वान नित्यम सुखे तिष्ठेत। तो यह जो विद्वान है जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया, नित्यम सुखे तिष्ठेत, बस मौज में रहो, कुछ ना लेना ना कुछ देना। देखो जब तक हमारे दिमाग में ये कीड़े भरे रहेंगे ना, ये करना है वो करना है, लगे रहो मुन्ना में, कुछ नहीं होने वाला। पेड़ को उगाते नहीं, पेड़ अपने आप उग जाता है, उसमें क्रिया नहीं है। और इसीलिए विद्वान नित्यम सुखे तिष्ठे, एकदम हमेशा जस्ट बी हैप्पी, बी चेयरफुल, नथिंग मोर। सो धिया चिद्रस पूर्णया, अब ये दूसरा महत्व का शब्द है, अपने बुद्धि में चिद्रस पूर्णया, जीवन में रस होना चाहिए, ना सूखा करता हूं ना गिल्ला करता हूं, ऐसा नहीं। जीवन में रस हो, रसो वही सहा रसगम हे वायम लब्ध्वा आनंदी भवती। जीवन में जब रस आता है ना, तब हर चीज में आनंद है, कोई कंप्लेन नहीं, जो है बढ़िया है, क्योंकि रस आ रहा है। इस प्रकार से हमने पहला अध्याय पूरा किया था, अब दूसरे अध्याय में प्रारंभ करते हैं। अथ कुमारः शिवं पप्रच्छ अखण्डैकरस चिन्मात्रस्वरूपम् अनुब्रूहीति। सहोवाच परमशिवः। अतः कुमारः, अभी कुमार माने षड्मुख महाराज, तो कार्तिकेय जी उन्होंने अथ माने पहला जो अध्याय सुन लिया, सुनने के बाद उन्होंने शिव जी से कहा, पप्रच्छ अखंड एक रस चिन्मात्र स्वरूपम अनुब्रूहीति, आप हमको जो एक एक शब्द अखंड अनब्रोकन जिसमें खंड नहीं है, ये जो उत्तराखंड है ना ये गलत है, ये उत्तरखंड होना चाहिए, क्योंकि पहले उत्तरांचल था तो उन्होंने आंचल को निकाल दिया और वहाँ खंड लगा दिया, तो उत्तरांचल में उत्तर आंचल ऐसा शब्द था वो, इसी प्रकार से उत्तरखंड, लेकिन आ को वैसे ही रखा तो उत्तराखंड हो गया, तो उत्तर अखंड इनको करना है खंड, हो गया अखंड। जैसे झाराखंड नहीं है, झारखंड है, और यहां सब विद्वान बैठे हुए पूरे यूपी में, पूरे इस एरिया में। तो अखंड, अखंड माने जिसमें किसी भी प्रकार की परिच्छिन्नता नहीं है, देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति की परिच्छिन्नता नहीं, अखंड। फिर एक रस, रस का तात्पर्य है कारण रहित। देखो गर्मी के दिनों में गुजराती है क्या, चले जाओ आप, आपको खाने के लिए मिलेगा आम रस, और वो आम रस मैं जिंदगी में कोई भी दवाई दे तो भी नहीं खाऊंगा, जिस प्रकार से ये बनाते हैं
और जब थोड़ा बहुत रहता है हाथ में सब आमों को मारने के बाद, फिर वो हाथ को बर्तन से फिर भी कुछ बचता है बच्चे और फिर आपको वो चपाती के साथ खाना है। चपाती भी ऐसी पतली होती है, पापड़ से पतली, आमरस। फिर गुठलियाँ फेंक देंगे, नहीं नहीं गुठलियों को धोएंगे साबुन से नहीं पानी से। और फिर उसकी एक डिश बनती है भजीता, माने खाने वाले की फजीती होती है। तो आमरस क्या हो गया, जिसमें गुठली माने कारण नहीं होता। यहां जब कहते हैं प्रपंच अखंड एक रस जो कारण रहित है, ऐसी कल्पना मत करना ब्रह्म मजा आ गया, ऐसे नहीं इसका अर्थ। देखो तात्पर्य ग्रहण नहीं होता तो फिर उल्टे सीधे विचार आते हैं। अतः कुमारा शिवम पप्रच अखंड एक रस, फिर सत ऐसी सत्ता की जो कटी नहीं है। अभी हमारी सत्ता कटी हुई है, कैसे, यह माइक है सत्ता, यह कैमरा है सत्ता, ये माइक सत्ता और कैमरा सत्ता कट गई बीच में, बीच में दोनों नहीं है। दोनों कैसे नहीं है, आप नहीं हो क्या, आप ही नहीं तो जाना माइक को, आप ही नहीं जाना कैमरे को, तो कैमरे को जानने वाले भी आप हैं, माइक को जानने वाले भी आप हैं, ये भले कटे हुए हो लेकिन आप तो अखंड हो ना। इसीलिए हमने आपको बताया अभाव में जो होता है वो सत्य है, और इसीलिए जिसका अभाव होता नहीं वो सत्य है। अखंड एक रसम सत चिन्मात्र स्वरूपम, और यह जड़ सत्ता नहीं है, यह चिन्मय सत्ता है। देखो कारण क्या है, देखो अपने तैतरीय उपनिषद के इस मंत्र पर भगवान शंकराचार्य का जो भाष्य है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न, इस मंत्र पर बताते हैं सत और चित और ब्रह्म, सच्चित ब्रह्म, सच्चित आनंद ब्रह्म, सच्चित अनंत ब्रह्म। तो ये सच्चित परमात्मा के विशेषण नहीं है। देखो जैसे नीला बड़ा कमल, तो नीला यह कमल का विशेषण है, क्योंकि नीला कुछ भी हो सकता है, नीला आकाश भी हो सकता है, नीला कपड़ा भी हो सकता है, नीला बड़ा बड़ा कुछ भी हो सकता है, मनुष्य बड़ा हो सकता है, पेड़ बड़ा हो सकता है, कुछ भी बड़ा हो सकता है। देखो तो यह जो नीला और बड़ा ये कमल के विशेषण हो गए, इस प्रकार से परमात्मा के सत और चित ये विशेषण नहीं है। आगे ना ग्रामर में, तो फिर क्या है, जो सत है वही चित है और इन दोनों का भेद नहीं है, इसीलिए अनंत या अखंड या आनंद है। यदि भेद होगा तो अखंडित हो जाएंगे, इसीलिए अखंड एक रस चिन्मात्र स्वरूपम, ये इनका स्वरूप क्या है तो अनुब्रूहीति आप हमको बताइए। स होवाच परम शिवः, तो शिव जी ने बताना शुरू कर दिया। अखंडैकरसं दृश्यम अखंडैकरसं जगत अखंडैकरसं भावम अखंडैकरसं स्वयं अखंडैकरसो मंत्र अखंडैकरसा क्रिया अखंडैकरसं ज्ञानम अखंडैकरसं जलम अखंडैकरसा भूमिः अखंडैकरसं वियत अखंडैकरसं शास्त्रम अखंडैकरसात्रयी अखंडैकरसं ब्रह्म
च अखंडैकर संवृतम अखंडैकरसो जीवहा अखंडैकरसो यजहा अखंडैकरसो ब्रह्मा अखंडैकरसो हरिहि अखंडैकरसो रुद्र अखंडैकरसोऽस्म्यहम् अखंडैकरसो ह्यात्मा अखंडैकरसो गुरुः अखंडैकरसलक्ष्यम् अखंडैकरसं महा अखंडैकरसो देहः अखंडैकरसं मनः अखंडैकरसं चित्तम् अखंडैकरसं सुखम् अखंडैकरसा विद्या अखंडैकरसो व्ययः अखंडैकरसं नित्यम् अखंडैकरसं पदम् अखंडैकरसं चित्तम् अखंडैकरसं किंचित् अखंडैकरसं परम् अखंडैकरसात् अन्यत् नास्ति नास्ति षडानन। 9 श्लोकों में उन्होंने बताया, हे षडानन, हे षण्मुख, हे कार्तिकेय, हे कुमार, देखो क्या क्या है अखंडैकरस। तो पहले अखंडैकरस हमको समझ, हमने आपको बताया शॉर्ट में, माने एक ही वस्तु सब कुछ है। देखो अपना रोज का उदाहरण ले लो, अखंडैकरसो पुत्र अखंडैकरसो पति ही अखंडैकरसो पिता अखंडैकरसो पुरुष। तो क्या ये आदमी जब पुत्र बना, पति बना, पिता बना तो कट आ गया, इतना पार्ट पुत्र, इतना पार्ट पति, इतना पार्ट पिता, जो बचा वो पुरुष नहीं। तो जो अखंड तत्व है, जो एक रस तत्व है, उसी पर उपाधियों के कारण अनेकता प्रतीत हो रही है, लेकिन हमारा ध्यान उपाधियों पर होता है और इसके कारण हम हमेशा जो दुखी रहते हैं ना, ये औपाधिक व्यक्तिमत्व दुखी होता है, निरुपाधिक सत्ता में सुख दुख का अभाव है। देखो औपाधिक व्यक्तिमत्व क्या है, पुत्र है, पति है, पिता है, भाई है, अमीर है, गरीब है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, ये विशेष व्यक्तिमत्व है। जैसे उस दिन महाराज जी ने बताया था ना छांदोग्य उपनिषद की कहानी, नारद जी मुंह लटकाए जा रहे थे तो सनत कुमार जी मिले, बोले नारद जी क्या हो गया आपको, मुंह लटकाए जा रहे, पढ़ाई नहीं करी क्या? माने अज्ञान हो तो आदमी दुखी होता है, पढ़ाई नहीं किया। पढ़ाई पढ़ाई बहुत करी है मैंने, मैंने 64 विद्या पढ़ के रखी है, अरे गिनती लगा देता पूरा, ये किया वो किया ऐसा किया वैसा किया। क्या तुमने आत्मविद्या जानी है? बोले नहीं। फिर दुखी ही रहोगे। कैसे दुखी रहेंगे? पहले ये दुख था कि मुझे यह विद्या नहीं है, तो मैंने ये किया वो किया, इसीलिए जो PhD करते हैं ना बेकार होते हैं। क्या करोगे PhD करके? ग्रेजुएशन करो, पैसे कमाओ, मौज में रहो, मुझे PhD करना है। फिर PhD करने के बाद जॉब ही नहीं मिल रहा, अरे मालिक बनो, नौकर क्यों बनते हो? नौकरों के घर में नौकर ही पैदा होते, यही दिमाग में लगता है। हाँ अच्छा पढ़ा लिखा करे फिर अच्छी नौकरी मिलेगी, अरे तोड़ो उस बुद्धि को। देखो जिंदगी केवल नौकरी करने में ही गई, मालिक बनो। तो अखंडैकरसं दृश्यम अखंडैकरसं जगत, तो यह जो तत्व है ये खंडित नहीं है, अखंड है। तो क्या क्या है अखंड? जो सबका अधिष्ठान है और जो उपाधियों का अध्यारोप करने के कारण अनेक प्रतीत हो रहा है, और उस प्रतीति के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता वो है अखंडैकरसम। देखो यदि पुत्र के द्वारा हम प्रभावित हो गए तो हम खंड है, अखंड नहीं है। पति होने के बाद दुखी हो रहे हैं तो खंड है,
देखो, पुत्र होने के बाद दुखी हो रहे तो खंड है, कितना भी श्रीखंड खाओ दुखी रहोगे, क्योंकि वहां भी श्री खंडित हो गई है, अखंड नहीं। इसीलिए संतो यहां जो बता रहे हैं इसका तात्पर्य अपने अंतकरण में ध्यान विविधता से हटा करके उसका जो अधिष्ठान है वहां हमको जाना है, तब जाकर के ये प्रश्न का उत्तर समझ में आएगा। तो कहते अखंडैक रसम दृश्यम, दृश्य माने सभी जो इंद्रियों के माध्यम से अनात्म भाव से ग्रहण होता है उसको दृश्य कहते हैं। अब एक रोज का सिंपल उदाहरण ले लो, अखंडैक रसम दृष्टि, और दृष्टि क्या देखती है, खंडित रूप रंग को देखती है। तो खंडित रूप रंग के द्वारा यदि हम प्रभावित हो गए तो हम अपने दृष्टि से भटक गए, और इसी नाम रूप ने, रूप रंग ने हमारे दृष्टि पर एक पर्दा डाल दिया है। देखो कितनी सहज और सरल बात है, रोज का है। मुझे जब तक के नींबू का अचार नहीं मिलता मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो क्या हो गया, वो नींबू के अचार के टेस्ट ने हमारे जो रसनेन्द्रिय है उसको ढक दिया है, दुखी हो गए। देखो बिल्कुल सरल सहज बात है, कोई कठिन नहीं है। तो यहां क्या बता रहे, इस अखंडैक रस मुझे बताओ, तो वह तुम ही तो हो, और कौन है अखंडैक रस, लेकिन तुम भटक रहे हो, किसमें, दृश्य में भटक रहे हो। दृश्य माने जब तक हमारे जीवन में इंद्रिय मन बुद्धि से उपलब्ध अनुभूतियों का प्रभाव बना रहेगा तब तक के हम अपने स्वरूप से दूर भटक रहे। जब तक के पुत्र के रूप में, पति के रूप में, पिता के रूप में दुखी रहेंगे तब तक के आप आदमी से भटक रहे हो। जो भी प्रश्न पूछने वाला होता है वो यही होता है, स्वामी जी मेरा लड़का जो है ना वो विवाह नहीं करना चाहता, स्वामी जी मैं क्या करूं बताइए, तुम एक विवाह और कर लो। आपको लगता है मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ, कभी कभी सच भी बोलता हूँ। तो एक जगह की बात है, एक कोई अम्मा है, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता कौन है, उसने मुझे क्या लिखा होगा आप कल्पना करो, स्वामी जी मेरा लड़का अमेरिका में, वो 5 साल तक एक लड़की के साथ उसका लव चल रहा था, अब उसका मन उससे उठ गया है, अब वो चाहता कि मैं इससे नहीं शादी करूंगा, स्वामी जी मैं क्या करूं, मैं ठीक है मैं शादी कर लेता हूं उससे। तुम्हारी समस्या लड़की की है कि लड़के की है, तो आप क्या सजेस्ट करते। हमने कहा ऐसे बेवकूफ ने शादी नहीं करनी चाहिए। देखो इसीलिए ये दुनिया में दुखी होने वाले समबड़ी होते हैं, रिमेन एज नो बडी, देयर फॉर इट इज सेड नो बडी इज हैप्पी, इट इज वेरी ट्रू, नो बडी अलोन इज हैप्पी, समबडी इज ऑलवेज मिजरेबल। अखंडैक रसम दृश्यम, तो ये दो तात्पर्य निकले इससे, जब दृश्य के द्वारा हम प्रभावित नहीं होते तो दृश्य को प्रकाशित करने वाली शक्ति है वो अखंड है, दृष्टि खंडित नहीं है। फिर एक इंद्रिय से निकल के पांचों इंद्रियों में आ गए, तो इंद्रियों में फंसेंगे तो फिर इंद्रियों के द्वारा हमने मन को ढक दिया है, और मन में फंसेंगे राग द्वेष के द्वारा तो हमने अपने विवेक को ढक दिया है। और यदि विवेक के स्थान पर हम यदि कार्य कारण में फंस गए तो हमने चेतना को ढक दिया है, और जड़ चेतन में हम भेद करते रहेंगे तो अखंड एक रसम उसको हमने ढक दिया है। तो क्या हो गया, भेद का
दर्शन करते हुए भी जब भेदभाव करना बंद कर देंगे तब जा करके हम इस मार्ग पर चल रहे हैं। देखो, भेद का दर्शन करना इसमें कोई समस्या नहीं है। ये मेरी लड़की है, ये मेरी बहू है, शुरू हो गया संसार। देखो, अखंडैक रसम दृश्यम अखंडैक रसम जगत, इसी प्रकार से दुनिया भी एक ही है, अलग नहीं है। देखो, ऐसा होता है क्या कि भारत की पृथ्वी बड़ी पवित्र है, रामायण में आता है ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, और फिर मेरी भारत माता, बाकी जगह में क्या कौन है, सौतेली माँ है क्या? पृथ्वी एक है। जब हमारा ध्यान अनेकता से हटकर के एक की तरफ जाता है तब हमने अध्यात्म में प्रवेश किया है। एक पर अनेकता औपाधिक और काल्पनिक होती है। देखो, ब्रह्मपुत्र नदी के कितने नाम हैं, जब निकलती है कैलाश से तो कुछ समय तक कोई टिबेटन नाम है, वहाँ से जब चाइना में आती है तो उसका दूसरा नाम है, वहाँ से जब भारत में प्रवेश करती है तो तीसरा नाम है। उसको पूछो तुम्हारा नाम क्या, मुझे नहीं मालूम, मैं पानी हूँ। इसीलिए जगत एक ही अखंड है, हमने ही नाम लगा दिए हैं। तो पृथ्वी एक है, पानी एक है, अग्नि एक है, वायु एक है, आकाश एक है, तो जगत तो यही है ना, अखंड है, कोई इसमें खंडित नहीं है। पहले ऐसा कहते हैं, भारत जो था वो अफगानिस्तान के उधर था, इतना लंबा चौड़ा था, कट कट के इतना हो गया है और फिर बढ़ेगा, ये तो चलते ही रहेगा, इससे पृथ्वी में कोई फर्क नहीं होने वाला। इस प्रकार से अखंडैक रसम जगत, फिर अखंडैक रसम भावम, अपने जितने भी भाव है वो अखंड होते हैं। भाव के विषय भिन्न हो गए, एक भाव है मैं बड़ा लकी हूँ, मेरा विवाह हो गया, दूसरा भाव है आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट, व्हाई डिड आई गेट मैरिड, तीसरा भाव है अब ठीक है निभा लो, दुनिया में अब आए तो जीना ही पड़ेगा, शादी की है तो निभाना ही पड़ेगा, ये सब भाव ही भाव है और कुछ नहीं है। तो अखंडैक रसम भावम, अखंडैक रसम स्वयं, ये सभी भिन्न भिन्न भाव, भिन्न भिन्न जगत की विविधता, भिन्न भिन्न विषय, इन सब को आधार स्वयं एक ही है। तो हे कुमार महाराज, आपने जो पूछा अखंडैक रसम क्या है, तुसी, तुम स्वयं, बाहर मत ढूंढो इधर उधर। क्योंकि उनके प्रश्न में क्या था, अनुब्रूही भी, वो मुझे बताओ कि जो अखंड नहीं कर सक, क्या है वो, अरे बाहर छोड़िए, तुम हो न स्वयं। इसी को लेकर के हम प्रश्नोत्तरी नहीं लेते, क्योंकि आपको समझ में आएगा, समझ में आ गया, ब्रह्मन पकड़ में आ गया, अब क्या करोगे, छोड़ देंगे, फिर वो उड़ जाएगा। देखो, ये कितनी सिंपलेस्ट बात है, जिसके बारे में आपके मन में एक भी प्रश्न नहीं आता वो आप हो। मेरे मन में एक भी प्रश्न गधे के बारे में नहीं आता। मैं क्या करूं? देखो संतो, फिर अखंडैक रसो मंत्र, मंत्र की बहुत सुंदर व्याख्या शिव सूत्र में आती है, चैतन्यम मंत्र। मंत्र वो है
जिसका यदि आप ओरिजिन निकालो तो चैतन्य में समाप्त हो जाता है। देखो मंत्र जब तो करते ही है, लेकिन उसका प्रभाव कहाँ से आया कहाँ गया। तो मनना त्रायते इति मंत्रः, जिसका मनन करने से, चिंतन करने से नहीं, मनन करने से जो हमारा उद्धार करता है। क्या उद्धार करता है? अब मनन करो, वैखरी वाणी कहाँ से आई? मध्यमा से। क्योंकि जब तक के मन में विचार नहीं होते तब तक के शब्द बाहर निकलते नहीं। देखो तो वैखरी वाणी स्थूल है, उसकी अपेक्षा मध्यमा वाणी सूक्ष्म है, और इस मध्यमा वाणी में भी आप विचार करके देखो, बिना शब्दों के प्रयोग से आप विचार नहीं कर सकते। तो मतलब क्या हो गया, मन ही जब स्थूल हो जाता है तब शब्द का रूप धारण करता है, और फिर और सूक्ष्म में चले गए तो विषय और विषय का शब्द दोनों जब एक हो गए तब हम पश्यंती वाणी में पहुंच गए। और ये पश्यंती वाणी क्या है? परावाणी की प्रथम अभिव्यक्ति है, और परावाणी क्या है? यह चेतना का स्थान है। यहां ये कहते अखंडैकरसम मंत्रः, अखंडैकरसो मंत्रः। तो यदि हम भगवान का नाम लेते हैं, ओम नमः शिवाय वैखरी, फिर ये ओम नमः शिवाय मन में चल रहा है, फिर ओम नमः शिवाय शांत हो गया, और फिर हम सोए नहीं, देखो चित्तम चिच्च विजानीया तकार रहितम यदा तकार विषयाध्यासः, जिस ज्ञान में विषय अध्यास अनात्मा की भ्रांति नहीं होती, वह अनात्मा भ्रांति रहित जो अनुभव है उसको कहते चैतन्य। अब अनात्मा की भ्रांति क्या हो गई? अनात्मा की भ्रांति यह है, हाँ मुझे समझ में आ गया, लेकिन पता नहीं कभी कभी लगता समझ में आया फिर पता नहीं कहाँ चला गया। देखो इसलिए अखंड एक रसम मंत्रः, माने यह मंत्र हमारा ही स्वरूप है और सबके लिए एक ही मंत्र है। कौन सा मंत्र है? आप कोई भी भाषा में बोलो, बिना शब्द के नहीं बोल सकते। देखो लेकिन हम ये भाषा में ही फंसे हुए हैं। एक बार अमेरिका की बात है, हम किसी मंदिर में थे, सत्संग पूरा हो गया, फिर वहाँ डिनर था। अमेरिका में जितने सत्संग होते हैं ना उसमें डिनर देना पड़ता है, नहीं तो कोई नहीं आता। वहाँ के लोग जितने भूखे और बाकी जगत में कई आपको मजाक लगने सत्य है, वहाँ वो निकाल करके अपना फ्रिज से निकालते, माइक्रोवेव में डालते, वहाँ से निकालते, आपके सामने रख देते गरम गरम। तो हम लोग वहाँ खाना खाने के लिए लाइन में खड़े थे। एक सज्जन आए कर्नाटक के, कर्नाटक माने जो नाटक करता है कर्नाटक, और हमसे संस्कृत में बात करने लग गए। तो हम उनको अंग्रेजी में जवाब दे रहे, फिर उन्होंने कहा कि आप संस्कृत में क्यों नहीं बोलते? उन्हें मुझे आता ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता? मैंने कुछ भी हो सकता है, उसके लिए कोई कारण नहीं, कुछ भी हो सकता है दुनिया में, नहीं लेकिन संस्कृत में बोलना चाहिए ना। हमने कहा बोलते किस लिए है? अगले को समझ में आए कि ना समझ में आए? यहाँ जितने ये अंग्रेज बैठे हुए किसी को समझ में आता है क्या? देखो मैं यहाँ आकर के चाइनीज में बोलना शुरू करूँ, आप लोग क्या करेंगे? तालियां बजाएंगे, बहुत अच्छा। भगवान शंकराचार्य जब कहते हैं ना, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रुम करणे, ऐसे फंसे हैं भाषा में, अपने देश का डिवीजन भाषा से हुआ है। देखो
बंगाली कहेंगे हम बंगाली, दूसरे देखो बंगाल के लिटरेचर का बाकी भाषाओं में भाषांतरण हुआ है, लेकिन बाकी भाषाओं के जो सुंदर सुंदर ग्रंथ हैं उसका भाषांतरण बंगाली में बंगाली नहीं करेगा, क्योंकि हमारी भाषा श्रेष्ठ है। देखो महाराज कितना सेम थिंग तमिल, ये भाषा में इतने फंसे हैं कि मंत्र का अर्थ क्या है ये नहीं समझ में आता। इसलिए अखंड कर सो मंत्र, जहाँ आपने कहा ध्यान से सुनना, जैसे किसी का नाम है प्रद्युम्न, पहले क्या होता था कि कोई बच्चा साइकिल पे जा रहा उसको लाइट नहीं हो तो पुलिस पकड़ता था, नाम बता तो बच्चे लिखते थे मेरा नाम लिखना, लिखो क्या प्रद्युम्न, वो लिख नहीं सकता है। अगले बार मत करना। तो जब हम किसी व्यक्ति का नाम प्रद्युम्न हो और हम यदि कोई सत्संग में उसका प्रसंग ले आए तो उस जहाँ प्रद्युम्न कहा उसको लगा मेरे बारे में बोल रहे हैं, तात्पर्य क्या हो गया, जिस शब्द का अर्थ मैं में घटित होता है वो सत्य है, यदि मंत्रों का अर्थ मैं में घटित हो गया श्री राम जय जय राम, अरे अपने ही बारे में बोल रहा है, ओम नमः शिवाय, देखो अखंडैक रसो मंत्र, जो मंत्र हमको अपने पास ले जाता है वो मंत्र है, बाकी का केवल नॉइस है। रात भर का पंजाबी लोग करते ना जगरत्ता, माता जय माता दी ये करा दो, जय माता दी वो करा दो, जय माता दी शादी करा दो, जय माता दी डाइवोर्स करा दो, और वो बेचारे कन्फ्यूज क्या कराऊँ यार। वो मंत्र नहीं है, वो अपना तबला पेटी है धूमधड़ाके से, अखंड करस वो मंत्र, अखंड करसा क्रिया, देखो सभी क्रियाएं कंटिन्यूसली चल रही, वही की वही वही की वही, सभी क्रियाओं का आधार एक ही है, अच्छी क्रिया करो तो भी वही है, बुरी करो तो वही क्रिया है, आपने कद्दू को काटा तो वही क्रिया है और किसी का गर्दन काटा तो वही क्रिया है, क्रिया में पाप पुण्य नहीं होते। अखंडई करसम ज्ञानम, अखंडई करसम जलम, इसी प्रकार से सभी ज्ञान कोई भी हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि, उसमें जो एक अखंड तत्व है वही अपना स्वरूप है। देखो लेकिन कितना हम बिखरे हुए हैं, रूप रंग में बिखरे हैं, शब्दों में बिखरे हैं, रस में बिखरे हैं, इतने बिखराव को इकट्ठा करके तो विषय से निकले इंद्रियों में आए, इंद्रियों से निकले मन में आए, मन से निकले बुद्धि में आए, बुद्धि को समर्पित कर दिया चेतना में आए, यहीं तक हमारी गति है। इसके बाद ऊपर वाला ठीक कर देता है, अखंड ही करस, तो ये जो हम खंडित हो गए ना ये उपाधियों के कारण, इसीलिए अखंड ही करसम ज्ञानम, जो आंखें लाल पीले को देखती है वो एक है, जो शब्द स्पर्श रूप रस इन पांच को ग्रहण करता है वो मन एक है, जो राग द्वेष को प्रकाशित करता है वो बुद्धि एक है, अखंड ही करस। तात्पर्य क्या निकला, जो ज्ञान उपाधियों के कारण खंडित होता है उसका जो अधिष्ठान है वो एक ही है, उसको आप ग्रहण करो। उसी प्रकार से अखंड ही करसा भूमि, हमने लाइन खींच लिए है एलओसी, ये यहाँ तक है उसके बाद वो कंट्री है, इससे बड़ी मूर्खता क्या होती है। देखो इनक्रेजमेंट किया, इसने इतना तक लिया, एक इंच ज़्यादा लिया, तोड़ो उसको। फिर अखंड ही करसम वियत,
नो पाकिस्तानी एयरलाइन फ्लाइट शुड गो ओवर इंडियन स्पेस। तो जब ये पृथ्वी घूम रही है तो स्पेस भी घूमती है क्या? कल मेरी स्पेस वो थी, आज यहाँ है। कल्पना की पराकाष्ठा। देखो अखंडई का रसम त्रयी, त्रयी माने प्रस्थान त्रयी, सब में एक ही तत्व है। चाहे आप भगवद गीता कहो, चाहे उपनिषद कहो, चाहे ब्रह्मसूत्र कहो, सब में एक ही तत्व है। इसी प्रकार से अखंडई का रसम ब्रह्म, अखंडई का रसम व्रतम, अखंडई का रसो जीवा। जीव जो है वो व्यक्ति नहीं है, जीव परमात्मा की अभिव्यक्ति है। साधना क्या हो गई? व्यक्ति का त्याग करके अभिव्यक्ति में आ जाओ। देखो समस्या व्यक्ति को होती है, अभिव्यक्ति को कोई समस्या नहीं। ये केवल समझना है। कैसे समझना है? थोड़ा ग्रामर के द्वारा। जैसे कहते हैं कि मैं दुखी हूँ, तुम हो कौन, क्या बताओ, मैंने शादी करी तब से मैं दुखी हूँ। अच्छा, इसका मतलब है तुम पति हो, बहुत बढ़िया। अब पति यह कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है? चिंतन करो, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन है माने हर एक पति दुखी होता है। हाँ फिर ठीक है। आपको एकदम तसल्ली मिलेगी। लेकिन आप यदि ये कल्पना करो बाकी के पति अच्छे होते, मैं क्यों दुखी हूँ, ये आपकी भ्रांति है। पति कभी सुखी नहीं हो सकता और आदमी कभी दुखी नहीं हो सकता। कारण क्या है? ये पति तो पावन सीताराम किसी पर अवलंबित रहते हैं। ब्रश कहाँ है, टूथपेस्ट कहाँ है, दांत कहाँ है, अरे यार कभी तो अपने हाथ से अपना काम करो ना। देखो ये पहनू क्या, वो कैसा दिखता है, तुम कैसे भी पहनो बुद्धू ही लगते हो। देखो धीरे धीरे इस चक्कर से हट जाओ। यू डोंट हैव टू आस्क एनीबडी, यू नो व्हाट यू आर। तो अखंडई कर सो जीवा। इसी प्रकार से जीव ये व्यक्ति नहीं है। जैसे प्रकाश जो है बल्ब में, ये व्यक्ति नहीं, व्यक्ति दिखती है बल्ब के कारण, लेकिन प्रकाश, उसी प्रकार से देह के कारण व्यक्ति दिखती है, लेकिन उसमें जो परमात्मा प्रकट हो रहा है वह जीव की अभिव्यक्ति है। तो जीव इज ए कॉमन नाउन, इज नॉट ए प्रॉपर नाउन। अब इससे और सिंपल क्या हो सकता है? ये बंगाली भाषा है। अखंडई करसो जीवा, अखंडई करसो ही अजहा। देखो जिसका जन्म नहीं हुआ है वो कैसे खंडित होगा? अखंडई करस अजहा, परमात्मा अखंड है। अखंडई करसो ब्रह्मा, अखंडई करसो हरि, अखंडई करसो रुद्र, अखंडई करसो अस्मि अहम्। देखो यह हम ही सब कुछ है। ब्रह्मा माने क्या? निर्माता। और हरि माने क्या? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। रुद्र माने क्या? सबको ठिकाने पर लगाने वाला। यह हम ही तो है। देखो जब देह के साथ तादात्म्य किया तो जागृत पुरुष का निर्माण हो गया। फिर जागृत अवस्था में सुखी दुखी होते होते सम हो कंटिन्यूइंग हरि, और फिर उसमें बोर हो गए, सो गए, वो भी हम ही हैं। तो जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों को आधार दे रहा है वो अखंड एक रस है। देखो जागृत में भी देखो, बचपन को देखा, जवानी को देखा, मध्यम वय को देखा, बुढ़ापे में देख रहे, बाद में भी देखते रहोगे, मेरा शरीर पड़ा है, कौन क्या करता है देखते। देखो
इसीलिए अखंड एक रसहा अहम, अपने इस अखंड को देखो जो खंडित नहीं होता, उत्तराखंड नहीं। सो अखंड एक रसो ही आत्मा, अखंड एक रसो गुरु, अखंड एक रसम लक्ष्यम, अखंड एक रसम महा, अखंड एक रसो आत्मा। देखो अन्यता दिखती है उपाधियों के कारण, क्योंकि हमारा ध्यान देह पर है इसीलिए अनेक दिखते हैं। देह से हटो और जीवन पर ले आओ, लाइफ पर, सब भेद खत्म हो गए। हमको यदि हमारे हार्ट का ऑपरेशन करना हो तो मुझे नहीं करना पड़ेगा, मुझे एक अम्मा ने शाप दिया है आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। मैंने, क्यों तुम शाप दे रहे हो? बोले, आपको हार्ट है क्या? आप तो सबकी मजाक उड़ाते रहते, हम इतना दुखी होकर के आते हैं और आप ऐसी मजाक उड़ा देते हो कि हम भी सोचते हैं अरे रियली भाई काम का बोर हो रहा, आपको हार्ट नहीं है। तो अखंड ही कर सो ही आत्मा, अनेक नहीं है महाराज, एक ही है। आत्मा माने क्या? आत्मा शब्द की परिभाषा भगवान शंकराचार्य ने ऐतरेय उपनिषद के भाष्य में दिए। वहां कहते हैं जो खाता है और जिसको खाया जाता है वो अन्न है। देखो हम अन्न को खाते हैं और वही चीनी खा खा करके दांत में कीड़ लग जाती है, दोनों एक दूसरे खाते हैं। इसी प्रकार से आत्मा जो सबको खाता है और जो खाया जाता है वो भी परमात्मा है, अन्य कोई नहीं। तो अखंड एक रसो यह आत्मा, तात्पर्य क्या होगा? यह जो द्वैत का भेद है यह सत्य नहीं है। अखंड एक रसो, अखंड एक रसो गुरु। अब देखो कितनी सिंपल बात बताई है, ये तो एक गुरु को पकड़ के रख दिया वहां, यही मेरे गुरु, बाकी के गुरु नहीं मेरे। हाँ कितनी सिंपलेस्ट बात है, हमारी अपने अनुभूतियों से सीखने की जो क्षमता है वह क्षमता हमारा गुरु है। भगवान दत्तात्रेय भागवत महापुराण 11वां स्कंद, 2 दर्जन गुरु थे उनके। तो क्या आकाश ने आकर के उनको सिखाया? इन्होंने सीखा। देखो जब हम सीखने पर तुले हैं तो आपको बाहर के किसी की भी आवश्यकता नहीं, यदि सीखने पर तुले हो तो। यदि बाहर का साक्षात ब्रह्मा जी आकर के अपने चारों मुख से बताएगा, आप सीखने को तैयार ही नहीं, वो फेल हो गया। भगवान कृष्ण फेल हो गए, कहा हम भले कहे कृष्णम वंदे जगत गुरुम, दुर्योधन दुशासन धृतराष्ट्र, इनको क्यों नहीं सिखा सके? वो सीखने को तैयार ही नहीं है ना। देखो महाराज, नहीं तो आप डिपेंडेंट हो जाओगे। गुरु आपको स्वातंत्र देता है, बांध के नहीं रखता, फंस जाओगे उसमें जिंदगी भर, फिर हम किसी से कुछ सीख नहीं सकते। अखंड एक रसो गुरु, अखंड एक रसम लक्ष्यम, अखंड एक रसम महा, हमारे जीवन का लक्ष्य वही है कि जो एक अखंड एक रस स्वरूप है वही अपना स्वरूप है, बाकी सब ठीक है। ये करने से स्वर्ग में जाएंगे कि हाँ जाएंगे, फिर क्या करेंगे? वहाँ जाके पूछो किसी को, मुझे क्या मालूम, मैं तो स्वर्ग में गया ही नहीं। देखो इसीलिए अखंड एक रसम लक्ष्यम, अखंड एक रसम महा, महा माने टोटैलिटी, जो महत्त्व है वही एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। जैसे हमारा सूक्ष्म देह होता है ना,
सूक्ष्म देह में दो बातें हैं, एक तो चिदाभास और दूसरा सूक्ष्म देह या सटल बॉडी। इसी प्रकार से टोटैलिटी में जो सूक्ष्म देह है, सटल बॉडी है, उसको महत्तत्व कहते हैं, उसी में सब कुछ भरा हुआ है। बीज अस्यांतरिवांकुरो जगदिदम प्रांग निर्विकल्पम पुनः, जैसे बीज के अंदर में सब कुछ भरा हुआ है वही बाहर निकलता है, इसी प्रकार से समष्टि जो जीव है उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं और व्यष्टि जो है उसको जीव कहते हैं। सब में एक ही तत्व है, इसीलिए अखंड ऐकरस महा, उसी के कारण अखंड ऐकरसो देह, सभी के देह उन्हीं पंच महाभूतों से बने हैं। ऐसे नहीं कि ज्ञानियों का देह जो है वो 11 महाभूतों से बना है और अज्ञानियों का जो देह है वो 2.5 महाभूतों से बना है, नहीं वही है। देखो इसीलिए अखंड ऐकरसो देह अखंड ऐकरसम मना, मन भी सबका एक ही है महाराज, इस चीज को एक दिन पकड़ लो आप, देखो कितना मजा आता है। देखो मन के सबका एक ही गणित है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। एक बार एक सज्जन ने हमको पूछा कि ये जो भगवद गीता इतनी पुरानी है आज की तारीख में लगेगी? हमने क्या पुराने लोग और आज के लोगों में फर्क है? पुराने लोग जो थे ना वो मुख से खाते थे, आज कल के लोग जो है वो नाक से खाते हैं। पुराने लोग जो थे ना वो आँख से देखते थे, आजकल के लोग जो है मॉडर्न हो गए कान से देखते हैं। क्या फर्क है? एक ही है, पहले भी काम क्रोध लोभ मोह था, अभी भी है, कोई फर्क नहीं इसमें। इस प्रकार से जैसा जैसा हम इसको सूक्ष्मता से देखेंगे तो इसमें भेद केवल औपाधिक है, और इसीलिए कहते हैं अखंड ऐकर साद अन्यत नास्ति नास्ति षडानन। इसीलिए हे कुमार, इस एक तत्व के सिवा कुछ और है ही नहीं, जो कुछ दिख रहा है वो प्रतीति है, औपाधिक अनुभूति है। निरुपाधिक अनुभूति से देखो तो आपके जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन, वही पहचानने के लिए यह हमको बताया गया है। अगली बात अगले सत्संग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।